हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडेक्स। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम मैजिक ट्रेड सिस्टम और फ्लोलाइट स्ट्रैटेजी, जो हमारी दो मेन स्ट्रैटेजी है, उनके बारे में एक डिटेल में स्टडी करेंगे। उनको कैसे आपको रीड करना है, कैसे उसको एनालिसिस करना है, उनका क्या इम्पोर्टेंस है और वो आपको किस प्रकार से चार्ट रीडिंग में हेल्प करते हैं, ये हम सारी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने सामने लगा के रखा है टाटा कम्युनिकेशन, तो मैंने सामने लगा के रखा है टाटा कंज्यूमर का फ्यूचर का चार्ट, ठीक है। तो इसके बेस पे हम मैजिक ट्रेड सिस्टम देखने जा रहे हैं। तो जैसे कि हम हमेशा से बताते हैं कि इंट्राडे आपको 15 मिनट्स के बेस पे काम करना है, और सामने आपको दिख रही ये नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न है। आपको अगर हैकेनेशी चाहिए तो राइट क्लिक करना है और कैंडलस्टिक पैटर्न को चेंज कर लेना है हैकेनेशी। तो इस प्रकार से ये हैकेनेशी कैंडल्स भी आप यूज़ कर सकते हो, और नॉर्मल कैंडल्स यूज़ करना है तो कैंडलस्टिक आप क्लिक करके रख सकते हो। अभी इसमें क्या है, सारे कैंडल्स को एक अलग अलग कलर आते हैं, तो इसका भी कुछ मीनिंग होता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जब बाय कॉल आता है तो आपको अपवर्ड एरो आएगा ग्रीन कलर में, जब सेल कॉल आता है तो डाउनवर्ड एरो आएगा रेड कलर में। तो ये पहले आइडेंटिफिकेशन होता है जब कोई भी कॉल आता है। उसके साथ ही साथ आपको ये देखना होता है जब कभी भी कॉल आए तो उसका कन्फर्मेशन कितना है, मतलब वो कितना कन्फर्म जा सकता है बाय साइड में या सेल साइड में। सपोज ये है सेल कॉल, तो हमारी एंट्री बनती है नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग में। तो यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन इंडिकेटर देखने हैं। तो जो कन्फर्मेशन इंडिकेटर अपने पास है वो है ट्रेड लाइन, और नीचे है वॉल्यूम बार। तो आपका वॉल्यूम बार आपके साथ हो रेड कलर में और ट्रेड लाइन आपके साथ हो, तो ये दो चीज़ें आपके साथ होती है तो आप वो कॉल की श्योरिटी कन्फर्म समझते हो कि उसमें आप एंट्री ले सकते हो। तो ये एक पहला आइडेंटिफिकेशन होता है, और मैजिक ट्रेड के बेस पे आपको सेकेंड टारगेट तक की एक्यूरेसी इजीली मिल जाती है ऐसे कॉल पे, ठीक है। तो ये हो गया कॉल एंट्री का, राइट। एग्जिट मैंने आपको बता दिया, या तो आप सेकेंड टारगेट पे कर सकते हो या फिर जहाँ पे आपका एग्जिट सिग्नल बने वहाँ तक भी आप होल्ड कर सकते हो जब तक आपका वॉल्यूम आपके साथ हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेल कॉल बना है तो इन्होंने एग्जिट यहाँ पे करवा दिया। अगर आप सेकेंड टारगेट पे ना एग्जिट करते फिर भी आपको सेकेंड टारगेट के आसपास ही एग्जिट करना पड़ता अगर आप होल्ड करते तो बेटर रिकमेंडेशन हमारा यही रहता है कि जब कभी परफेक्ट कॉल मिले सेकेंड टारगेट आप लगा के एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक कन्फर्मेशन हो गया आपका, सेम बाय कॉल में होता है। बाय कॉल के नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग में आपको एंट्री लेना है और वहाँ पे भी आपको वही फॉलो करना है। एग्जिट सिग्नल आने तक आप अगर वेट करते हो तो वो एक पार्ट होता है, राइट। या तो सेकेंड टारगेट तक आपका पोजिशन होल्ड करो और वहाँ तक आप एग्जिट कर सकते हो। अभी इसके अलावा और क्या आइडेंटिफिकेशन है ये चार्ट में, तो नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन होते हैं आपके कैंडल्स के कलर्स। अभी आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर ने यहाँ एग्जिट तो सिग्नल दे दिया, लेकिन मैं अगर बोलूँ आपको कि ये आपको पहले से पता था नीचे मार्केट जाने वाला है तो ये कैसे आपको पता था कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैंडल ने कलर चेंज कर दिया था इसका। जब मार्केट बाइंग में था तो यहाँ पे इसने कैंडल आपका वाइट इस कैंडल कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपको एक आइडेंटिफिकेशन यही मिल चुका था कि मार्केट सेलिंग में जा सकता है। तो आप बेटर है कि जो होल्ड में हो तो एग्जिट कॉल का वेट ना करते हुए आप यही पे भी आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते थे। सिमिलर सेल कॉल में भी अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ तक मार्केट सेलिंग में था और यहाँ पे आपको एक सिग्नल मिल चुका था कि मार्केट का जो सेलिंग का स्ट्रेंथ है वो अभी ख़त्म हो चुका है, तो आप यहाँ पे भी आपकी पोजीशन एग्जिट कर सकते थे जिन्होंने सेकेंड टारगेट पे एग्जिट नहीं किया, राइट। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि एग्जिट के लिए आपको पहला पॉइंट होता है कैंडल का कलर चेंज होना, एक इंडिकेशन। सेकेंड इंडिकेशन एग्जिट कॉल आना, राइट। थर्ड इंडिकेशन वॉल्यूम निकल जाना, ये भी एक इंडिकेशन होता है। अभी जो पहले आता है
उसका आपको एक कन्फर्मेशन लेके चलना होता है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि कभी कैंडल पहले आ जाए या वॉल्यूम पहले निकल जाए, तो कोई भी एक अगर आ जाता है तो आपको वहाँ से समझ जाना चाहिए कि मार्केट में भी चेंज हो सकता है। लेकिन मेजर इंडिकेशन आपका कैंडल कलर के बेस पे मिलेगा आपको, जो फर्स्ट इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट साइडवेज है या फिर मार्केट यहाँ से स्ट्रेंथ लूज आउट कर चुका है। ठीक है, सेम बाय कॉल में हो गया, यहाँ पे भी सेम है, राइट। उसके बाद ये जो मूविंग एवरेजेस है इनका क्रॉस ओवर भी आपको हेल्प करता है कि मार्केट का प्रिडिक्शन बताने में कि मार्केट बाय साइड से सेल साइड जा रहा है या नहीं, राइट। जैसे कि ये बाय साइड था, तो बाय होने के बाद आपको एक इंडिकेशन मिल चुका था, कैंडल का कलर चेंज हो गया है। सेकेंड इंडिकेशन, ये कैंडल पे आपको दो इंडिकेशन मिल चुके थे, एक तो एग्जिट सिग्नल आ चुका था और नीचे वॉल्यूम जा चुका था, और फिर आया आपका लास्ट सिग्नल जहाँ पे आपको क्रॉस ओवर मिला। तो ये तीनों कंडीशन आपको बता चुकी थी कि मार्केट यहाँ पे सेल में जा सकता है। तो इसका मीनिंग यही है कि स्ट्रैटेजी में आपको स्टॉप लॉस तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस के पहले भी आपको एग्जिट सिग्नल्स आते हैं, तो उसके बेस पे आपको एक अलर्टनेस हो जाती है कि आपको यहाँ पे आपके लॉट्स एग्जिट कर लेने चाहिए, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी अपने व्यूज चेंज करना स्टार्ट कर दिया है कि जो बायर्स थे वो सेलर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं, या फिर जिनके बाय पोजिशन थी मार्केट में उन्होंने स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर चुका है, राइट। तो ये सारी एक इंडिकेशंस होते हैं, तो इस प्रकार से ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। और हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी है प्रोलाइट का, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इसमें भी आपको बाय कॉल सेल कॉल सेम डिनोकेट करेगा, इसमें भी री एंट्री री एग्जिट कॉल्स आएंगे, राइट। फर्क इतना है दोनों में, कुछ कॉल की फ्रीक्वेंसी में फर्क होता है, राइट। और जो एंट्री लेना होता है अपने को, तो वो सेम सिमिलर टू मैजिक ट्रेड, नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग में जहाँ पे कॉल आता है उसके ओपनिंग में आपको एंट्री लेनी है दूसरी कैंडल के। वहाँ पे आपको दो चीज़ें देखनी है, वॉल्यूम आपके साथ हो और ट्रेंड लाइन आपके साथ हो। ये चीज़ें अगर मैच करे तो वो कॉल परफेक्ट होता है। और अगर आप बोलो इसमें और मैजिक ट्रेड में क्या डिफरेंस है, तो मैं एक आई बटन पर वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप उस पे जाके देख सकते हो कि दोनों में क्या कंपैरिजन है, ठीक है। दोनों में कॉल की फ्रीक्वेंसी कैसी डिफर करती है, कभी कभार, नॉट ऑलवेज बट कभी कभार होता है। तो ये सारी डिफरेंसेस दोनों स्ट्रेटजी में, दोनों 15 मिनट्स में ही काम करती है, दोनों इंट्राडे के लिए यूज़ होती है, राइट। अभी ये स्ट्रेटजी में एक एडवांटेज ये है आपके पास कि मैंने यहाँ पे कुछ कैंडल पैटर्न्स के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, तो हर एक कैंडल को कुछ नाम होता है। जब आप टेक्निकल का स्टडी करते हो तो उसमें ये चीज़ हेल्प होती है कि आपको ये कैंडल्स को क्या नेम कन्वेंशन होना चाहिए, ये कैंडल का क्या नाम होना चाहिए, वो आपको पता लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस कैंडल को हम बेरिश हरामी भी बोल सकते हैं, राइट। ये एक ब्लैक कैंडल है, ब्लैक कैंडल मतलब सेलिंग की कैंडल होती है, राइट। उसके बाद अगर ये भी हम देख सकते हैं, तो इसको भी लॉन्ग ब्लैक कैंडल हो गई है, राइट। तो मैं आपको ये नेमिंग कन्वेंशन के लिए भी ये स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हो। सो आप देख सकते हो हर एक कैंडल को अलग अलग नाम दिखाई देंगे ऊपर, राइट। तो ये स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हो अगर कोई आप टेक्निकल स्टडी करना चाहते हो या फिर कैंडल पैटर्न के बेस पे काम करना चाहते हो, तो इस प्रकार से ये स्ट्रेटजी काम करेगी। आपको टारगेट्स स्टॉप लॉस के साथ साथ ये स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करवाएगी कि किस कैंडल्स को क्या नाम से आप बुला सकते हो। सो दोनों स्ट्रेटजी का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, कैसे काम करती है ये चीज़ें बता दी। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए हमारा चैनल ट्रेडएक्स। थैंक यू एंड बाय।